हेलो, आप एक खुशी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। केंद्रीय सरना समिति के सभी पदाधिकारीगण और स्वागत में कोई कमी ना नजर इलेक्ट्रॉनिकियों में बने बाद आज और युवा सरना समिति न्यूज हमारा आदिवासी गमछा और पगड़ी के साथ मंत्री जी को सम्मानित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। तालियों से उनका स्वागत किया जाए और हमारी यही इच्छा होगी कि हमें एक नया मार्गदर्शन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ हमारे रांची जिला के आदिवासी समाज के धर्मगढ़ सिरमटोली के इस प्रांगण में आज सरहुल पर्व की इस महा जुटान कार्यक्रम की तैयारी में लगे यहां उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे समाज के अगुआ मानकी मुंडा पहान घोड़े और आम जनों को अपनी ओर से इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं।
हर साल की तरह इस वर्ष भी सरहुल की भव्य तैयारी और भव्य गांव से लेकर शहर तक में है। गली गली टोले टोले में आज के इस महापर्व के बाद गांव गांव से की महायात्रा प्रारंभ होगी और एक लंबा यात्रा तय करने के बाद स्वयं टोली के इस अखाड़े में लोग एकत्रित होंगे। जिनमें संख्या बताना गिनना कतई संभव नहीं हो सकता है। अनगिनत लोगों का जुटान यहां पर होना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस महापर्व के महायात्रा के लिए सभी समाज हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी यात्रा सफल हो ये मैं कामना करता हूं। आप सबको पता है हमारा ये समाज मुख्यतः प्रकृति के पुजारी होते हैं। हमारा संबंध प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति है तो आदिवासी समाज है, जल जंगल जमीन है तो आदिवासी समाज है। इसलिए आपकी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य के जितने भी हमारे सामाजिक स्थल हैं, चाहे वो सरना स्थल हो, मसना स्थल हो, धुमकुड़िया हो, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही नई क्यों ना हो, उन सभी धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। और जो समाज की पहचान है उस पहचान को आने वाली पीढ़ियों को हम सौंपते चले जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने बहुत खूबसूरत ये समाज
बनाकर हमें सौंपा है, जहां हमें किसी से भेदभाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, सिर्फ एक दूसरे का मान सम्मान और प्यार बांटना ही सिखाया है। इंसान से तो सिखाया ही सिखाया है, बल्कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं से भी कैसे प्यार किया जाए ये भी हमें सिखाया। इसीलिए आज के इस भौतिकवादी युग में विकास के लिए कई पैमाने खींचे जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कहीं कम कहीं अधिक प्रकृति के साथ अन्याय भी होता आ रहा है। इसी बीच ये संतुलन कैसे बने रहे, क्योंकि आज हमें और हमारे समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी विकास के कड़ियों से भी जुड़ना है। और ये चुनौती है हम सब लोगों के लिए कि इस भौतिकवादी युग में भी हम अपनी ये संस्कृति, ये परंपरा ये जल जंगल जमीन कैसे संरक्षित हो। मैं देखता हूं कि राज्य में कई पहाड़, कई नदी, कई जंगले हैं, लेकिन वो शहर में आते आते विलुप्त होने लगते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। हमें ऐसे विलुप्त होते जा रहे चीजों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। आज शहर की ओर से गुजरने वाली सभी नदियां लगभग समाप्ति के कगार पर, और वो नदियां हमारे लिए सिर्फ नदी मात्र नहीं है, हम सिर्फ वहां नहाने धोने, कपड़े धोने का ही काम हमारा वो नदी नहीं करता, वो हमारा जीवन रेखा भी है। वो अपने साथ कई ऐसी चीजें बहा के लाती है जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे शरीर के अंदर खून की नाड़ियां बहती है, उसी प्रकार ये नदी झरना मनुष्य का और मानव जीवन के लिए ये बहता खून के नाड़ियों का काम करती है। मैं देखता हूं नदी के ऊपर लोग घर बना लेते हैं, तालाबों के ऊपर घर बना लेते हैं, और उस बेचारे नदी तालाब को चारों ओर
रसायन युक्त कंकड़ पत्थरों से घेर दिया जाता है। इस विषय को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसलिए आज के विकास के रास्ते में इन सभी चीजों का तालमेल कैसे बना रहे, गांव पहाड़ जिस तरीके से हरे भरे हैं वैसे ही हरा भरा शहर भी क्यों ना हो, ये भी हम सबको सोचना होगा। और ये सोचना होगा कि हमारी भी भूमिका इसमें कितनी है। आज हम सबों की जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। जरूरतें भी बढ़ गई, चुनौती भी बढ़ गई। अगर इन जरूरत और चुनौतियों के बीच में अगर इन व्यवस्थाओं को समाप्त होने से ना रोका गया तो बहुत आने वाला समय हमारे पीढ़ियों के लिए दुखदायी और कष्टदायी होगा। इसीलिए आज हम सरहुल मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, बहा मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं, तो इसलिए आज के इस महापर्व के अवसर पर हम ये भी संकल्प लें कि प्रकृति के गोद से कुछ भी हम हासिल करते हैं या कुछ भी चीजें उनसे लेते हैं तो बदले में हम इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं यह भी हम सुनिश्चित करें। यह कभी संभव नहीं है कि यह धरती, यह प्रकृति जो हमें दे रही है हम उतना उसको दे पाए, यह कभी संभव नहीं है। लेकिन उसके बराबरी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन उसमें थोड़ा योगदान तो जरूर ही कर सकते हैं। चाहे वो एक पेड़ ही बचाकर क्यों ना हो, चाहे वो एक पेड़ ही लगाकर क्यों ना हो। चाहे नदी नालों के ऊपर हम 5 फीट 10 फीट पीछे हट के घर क्यों ना मुझे बनाना पड़े। इसीलिए आज इस उत्साह को आने वाला समय में और भी हम उत्साह पूर्वक मना पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत कठिनाइयों के साथ हमें सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए आज के महापर्व में आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ये सिरमतोली के इस प्रांगण के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कि आप सब लोग लाखों की तादाद में यहां पहुंचने वाले लोगों को जिस तरीके से पहले भी लोगों की जुटान को संभाला है, इस बार भी संभालेंगे। सरकार ने दिखे इसके लिए भी सरकार ने निर्णय ले रखा है और मुझे लगता है ये प्रतीक समाज का, आदिवासी समाज का बनकर बहुत जल्दी तैयार होगा, इसका मैं आशा करता हूं। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से सरूल की इस महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। आप सरूल के धन्यवाद आभार प्रकट करेंगे समिति की ओर से। सिरमतोली के पावर समिति के पास गल है, सभी लोग एक जगह जमा फोटो शूट करेंगे, तब हम लोग यहाँ से हेमंत दागो आदिवासी का सबसे बड़ा त्योहार है। सिरमतोली सरना समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, उनका आना हमारा पूरे श्रद्धालुगण बहुत ही खुश हैं, गर्वान्वित हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे इस पूरे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।